दोस्तों, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया कि आप कल से हमारे साथ हैं, और ख़ास तौर से फारूकी साहब का। हम और आप जब भी हमारे जहन में शमसुर रहमान फारूकी साहब का नाम आता है तो हमारा जहन फौरन मीर की तरफ जाता है या दास्तान की तरफ जाता है। अब पिछले कुछ सालों से कई चांद थे सरे आसमां की तरफ भी जाने लगा है। हालांकि फारूकी साहब ने बहुत काम किया, शायरी भी की, अफसाने भी लिखे, नॉवेल लिखा, लेकिन मीर तकी मीर पर फारूकी साहब का काम और दास्तान पर, क्योंकि दास्तान एक ऐसी हमारी सिंफ सुखन है कि जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी से, हमारे जहनो दिल से बिल्कुल महफ होती जा रही थी। शमसुर रहमान फारूकी और इनके भतीजे महमूद फारूकी ने, शमसुर रहमान फारूकी साहब ने तहरीरी तौर पर इसके ऊपर लिखा और महमूद फारूकी ने स्टेज पे इसे परफॉर्म किया। ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने दास्तान को दोबारा रिवाइव किया, दोबारा जिंदा किया। और आज हम देखते हैं हम सब लोग कि जब भी कहीं दास्तान हो रही होती है तो हज़ारों की तादाद में नए लड़के लड़कियाँ जिनकी उम्र 20 साल, 25 साल, अंग्रेजी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए लोग, वो आते हैं और दास्तान से लुत्फानंदोज़ होते हैं। पता नहीं वो कितना उस लफ्ज़ को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, लेकिन मज़ा लेते हैं उससे। तो धीरे धीरे दास्तान के ज़रिए भी लोग हमारी ज़बान की तरफ आ रहे हैं और ज़बान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शमसुर रहमान फारूकी आज हमारे मेहमान हैं। फारूकी साहब, आपने बस शुरू में यहाँ से करूँगा कि आपसे दरख्वास्त ये है कि थोड़ा सा दास्तान है क्या, इसके बारे में कुछ बताएं। शुक्रिया तमाम दोस्तों, ख़वातीन हज़रात, आपका बड़ा करम है, आप तकलीफ लाए और बैठे रहे इंतजार में। मुझे देर हो गई, लेकिन मैं ये देर भी नहीं वैसे नहीं बल्कि हो गई है मुझे, अब कल से मुझे देरी हो रही, क्या किया जाए, बड़ा देर हुई बहुत, मुझे इसके लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी है और बहुत सारी माजरत भी, लेकिन इसका ज़्यादा बहस मैं करूँगा जाने का। अभी जो अभी जमरत में जो बातें कहीं वो जाहिर है, मोबाइल कैसे काम लेते हैं उर्दू वाले तो बढ़ बढ़ कर डालते हैं हर बार हर चीज़ को, जब तक चार चार बनाना कहने मज़ा नहीं आता, तो मेरे बारे में जो कहा उन्होंने उनकी नौकर है, मैं उससे अपने को अलग समझता हूँ। जो मैं हूँ आपके सामने हूँ, आप नाजी हूँ, आप अपने जमरत ने ये कहा कि ये दास्तान हमारे जहनों से और तहजीब से आहिस्ता आहिस्ता महव हो रही थी, तो मैं इसकी सलाह यूँ करूँगा कि दास्तान अचानक गुज़श्ता 100 बरस से ज़्यादा हो गए हमारी तहजीब से गायब हो चुकी है। जो दास्तान अमीर हमजा का सबसे ज़्यादा जो मकबूल रूप है वो नवल किशोर प्रेस ने छापा लखनऊ में, और उसका आखिरी दास्तान जो है वो छपी 1970। वजह उसकी ये है कि पंजाब बल्कि मालूम भी ठीक से नहीं है, उसके 4 जिल्दें हैं और 3 जिल्दें तो छप गई थी 1909 तक। फिर क्या हुआ कि दास्तान को बेचारे मर गए या कुछ इस वाले सुस्त पड़ गए, ये कागज़ भी गुम हो गए, ये क्या हो गए, तो उसका आखिरी जो आखिरी जिल्द है वो 70 में आई, 70 आवाज भी है 100 बरस वाला यूँ है। और अब ये हालत है कि उन दास्तान गोजों के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, दास्तान के बारे में बहुत कम जानते हैं हम, और एक तरह से हमने उसको अपनी तहजीब के वजह से मिटा ही दिया। और जैसे हमारे ऊपर अंग्रेज़ बहादुर की बहुत सी मेहरबानियाँ रही हैं जिनसे अब तक हम भुगत रहे हैं, तो उनमें एक मेहरबानी ये भी थी कि दास्तान को ही हमारे मंजरनामे से बाहर कर दिया गया। और कई बातें बताई गई, मसलन एक बहुत ही आम बात जो आज तक लोग कहते हैं उर्दू वाले, खुदा उन पर रहम करे और तुम पर भी रहम करे, आज तक भी कहते हैं कि साहब दास्तान तो एक प्रिमिटिव, एक अवायली, एक नामुकम्मल नक्शे किसी चीज़ है, असल में तो नाविल है तरक्की याफ्ता सिर्फ वह नाविल। जब दास्तान बहुत ही बड़े हमारे एक नकाद ने, जिन्होंने खैर इतनी मेहरबानी की एक किताब लिख दी इसके ऊपर दास्तान हुई उर्दू जबान अपने दास्तान हुई, लेकिन उन्होंने इस पर बार बार ये बात कही कि दास्तान तो कम तरक्की याफ्ता बल्कि बचकाना जहन की पैदावार है। बच्चे जैसे होते हैं वो कहानी सुनते हैं जिनों की और परियों की और तो पहाड़ों की और जंग की लड़ाई की और समंदर की, तो वो खुश होते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो इन चीज़ों को छोड़ देता है और फिर नावे पढ़ने लगता है। तो ये हम लोगों को बताएगा
और अब तक बताया रहा, तो अब ये ऐसा नहीं कि आहिस्ता नहीं, बल्कि ये बहुत चीज़ें हमारे जो गुम हो गई। मैं तो जैसा कि अखबार को जो इतना मशहूर मिसरा है कि मेरी तमाम जस्तजु को लोगों का सुराग मैं ढूंढता फिरता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने गुम कर दी। अगर गिनने बैठूँ तो शाम हो जाए, लेकिन वो मैं खरीद ख़त्म नहीं होगी। मगर उनमें से ये एक बहुत बड़ा ज़खीरा था, तहजीबी ज़खीरा था, ज़बान का ज़खीरा था, किस्सा गोई बयानिया का ज़खीरा था, जिसको कि हम तुम शायद कथानक कहते हो, नैरेटिव बयानिया, कथानक का बहुत बड़ा ज़खीरा था, वो सब हम लोगों ने गंवा दिया। और अब जैसा मैंने कहा, हालत ये कि मैं जिसने की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा दास्तान को पढ़ने और समझने और तुम लोगों तक पहुँचाने में, मुझे भी पूरी तरह नहीं मालूम कि बेचारे चार पाँच दास्तान को जिनकी दास्तानें जो है लिखी हुई या बोली हुई या सुनाई हुई जो छपी हैं शायद जल्दों में, वो ये कौन लोग थे, क्या थे, जो उन्होंने अपने बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा बस वही हम जानते हैं, कुछ उसके आगे हमें नहीं मालूम। उसके बारे में ये भी नहीं जानते कि बेचारे मरे कब, ये हालत है। जैसे मैंने कहा ना, तो हुसैन साहब जिनकी दास्तान का जो आखिरी जो छपी है 1917 में, तो 9 और 17 में 8 बरस होते हैं, 8 बरस क्या हुआ हमें नहीं मालूम। बस ये कि वो पता नहीं बेचारे मर भी गए हों। अच्छा, उनके बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ, कोई कहता है जाहिल थे बिल्कुल, कोई कहता है कि अंधे थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे ना, अंधे जरूर थे वो, इस तरह की बातें लोग बताते हैं। तो मतलब कोई भी तफसील दास्तान के बारे में तुम अगर पूछो तो मैं उसके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता, सिवाय इसके कि ये 46 जिल्दें एक सिलसिले की हैं जो नवल किशोर प्रेस ने, अल्लाह खुश रखे उनकी जन्नत नसीब करे उनकी रूह को, उन्होंने 1883 से लेकर के 17 तक में छापी, 34 बरस में छापी उन्होंने, और बहुत बार बार छपी, तमाम पढ़ी गई लिखी गई। रतननाश अशार ने इसमें से एक दास्तान के अंदर जो उन्होंने उसको हम लोग तकरीज कहते हैं एक तरह से, उसको तारुफ और पेशलफ कहिए, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये दास्तानें इतनी बढ़िया हैं, इतनी अच्छी लिखी हुई हैं कि अगर कोई चाहे तो इनको ज़बानी याद कर ले और फिर उनको महफिलों में सुनाए। तो उससे एक इशारा होता है कि शायद कुछ लोग ज़बानी याद भी कर लेते हो। जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ उस जिस मोशरवा की दास्तान का, वो 1000 पेज की है, जिस पर कि रतननाश अशार ये लिख रहे हैं कि अगर लोग चाहें बल्कि कर भी लेते, याद भी करके सुनाते हैं ज़बानी। तो ये भी नहीं मालूम कि लोग ज़बानी याद करके सुनाते थे या बैठ के वहीं गढ़ते थे। तुम्हारे सामने अशोक को देखा, कुछ उनके बारे में बता दिया, भोपाल में ऐसे होता है, चाहे हुआ हो दिल्ली में, या ये कि हमने कुछ मिला दिया, कुछ अपना बना दिया, कुछ भी नहीं मालूम हम लोग, कितने अफसोस की बात है। अगर कुछ नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन 46 जिलों मैंने जो अगर गिना है, नकवी भाई साहब मरहूम बड़े भारी हमारे यहाँ शायर थे बैंक के, तो वो क्या कहते हैं, मुहक्किक को तंज करते हुए उन्होंने मिसरा लिखा, उसने सब नुक्ते गिने हैं मीर के दीवान के। नुक्ते तो मैंने नहीं गिने हैं, लेकिन मैं लाइनें ज़रूर गिनी हैं, लाइनें गिनी हैं और उनके वर्ड्स गिने हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जो कुछ जो शुरू के आखिर के छोड़ दिए, जो क्या कहते हैं इश्तहार है मतलब का इस तरह से छोड़ दिए, तो भी कोई 2.5 करोड़ लफ्ज़ है ये। अब 2.5 करोड़ लफ्ज़ को तुम ऐसा भूले हुए आज कि तुमको मालूम नहीं कि लफ्ज़ होता क्या है, इनकी दास्तान में लफ्ज़ कहाँ से आते हैं, क्यों पर होते हैं। तो ये जो तुमने सवाल पूछा सही सवाल है, बताऊँगा कि दास्तान। अच्छा, अब जैसे मान लो कि जब थोड़ा बहुत या कुछ चला कि साहब अंग्रेजी भी होता है, वहाँ से वो मॉड आर्थर की दास्तान होती है, वहाँ सर थॉमस मेलेडी ने दास्तान लिखी है, तो लोगों का ख्याल है अच्छा भाई कुछ हमारा भी होना चाहिए। तो जो दास्तान नहीं थी, यानी फसाने अजायब जैसे मान लो ये बाग बहार या नौ दर्ज मुरस्सा, उनको दास्तान कह के हमारे यहाँ पढ़ाया जाने लगा। अब तक पढ़ाया जाता है, आज भी कोर्स में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उर्दू की, उनमें से तकरीबन हर किताब में हाई स्कूल के बाद 1-2 सफ़े 4 सफ़े इनमें से किसी एक किताब के। और इससे बढ़ के तंज या जुल्म क्या होगा कि बाग व बहार जो गैर मुल्क के मालिकों को उर्दू सिखाने के लिए लिखी गई थी, उसको हमने अपनी नस्ल का शाहकार मान लिया और दास्तान का शाहकार मान लिया, दोनों चीज़ें मान ली एक साथ, नस्ल का भी शाहकार है दास्तान का भी शाहकार। तो ये एक बहुत बड़ा तहजीबी अलमिया है, बहुत ये एक ऐसा दर्दनाक हमारी तहजीब का बाब है, जहाँ बहुत से अफवाब एक से एक दर्दनाक हैं। तो यहाँ तो ये कि वो चीज़ें मौजूद हैं, जो कुछ हैं चाहे जो कुछ नहीं हो तो कहीं, लेकिन जो मौजूद हैं। खैर, पहली बात है समझ लीजिए आपके दास्तान की पहली शर्त ये होती है कि ये ज़बानी सुनाई जाती है।
अगर लिखी हुई भी होगी तो ज़बानी सुनाई जाने की ही लिखी गई, और ज़बानी सुनाए जाने की डायनेमिक जिसे कहते हैं हरकियात कुछ और तरह की होती है। आपको सुनकर तजुब होगा या शायद न भी हो कि जो अभी मैंने जिस किताब का नाम लिया प्रोफेसर करीमुद्दीन अहमद साहब बहुत बड़े हमारे यहाँ के नक्काब थे, मैं उनको एहतराम करता हूँ, बहुत बड़े मेरे बुजुर्ग थे वो। उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान वही किताब उन्होंने लिखी, लेकिन उस पूरे किताब में एक वर्ड इस बात को नहीं कि ये दास्तान सुनाई जाती है। जब तक ये बात अपने जहन में न रख लेंगे आप लोग कि दास्तान सुनाने की चीज़ है, और सुनाने की चीज़ के डायनेमिक अलग होते हैं। बिल्कुल मसलन एक डायनेमिक ये होता है जो आप अभी देखा होगा आपने, एक बात को बार बार कह रहा हूँ। सुनाने की चीज़ में आदमी उसी चीज़ को बार बार कहता है, तो पता नहीं उन तक पहुँची नहीं पहुँची, फिर पीछे बैठे हुए सेक्रेटरी रहते हैं फलां साहब वो कभी नहीं निकल गए थे, सुना ना होगा, आवाज़ न पहुँची होगी, इसलिए वो बार बार बताता है उसी बात को। एक बात तो अब हमारे यहाँ जिन लोगों ने थोड़ी बहुत दास्तान पढ़ी बड़ा बुरा मानते हैं, साहब देखिए लोग वक्त ज़ाया करते हैं, कागज़ ज़ाया करते हैं, अल्फाज ज़ाया करते हैं, बार बार एक बात तो कहते हैं, तो उनको इतना भी नहीं मालूम कि ज़बानी बयानियाँ की हरकियात का पहला बस ये होता है कि वो बार बार बात को कहा जाता है और उसको घुमा फिरा के मना बताते हैं। ऐसे भी कहेंगे फिर वैसे भी कहेंगे फिर दूसरा भी कहेंगे, रोक देंगे फिर ले आएंगे, चल अरे वो सुना नहीं आपने, वो आधी बात रह गई थी मेरी, मैं ये बताना चाहता हूँ। इस तरह से उसको घेरने के लिए, सुनने वाले को उसको खींचने के लिए और उसके दिमाग तक पहुँचाने के लिए, तो पहली बात तो ये, जब तक ये ना समझेंगे आप तब तक इसको आप नावेल से उसका फ़र्क नहीं करेंगे। और जो मेरी इसमें जो मेरी बहुत ही जिसको कहते हैं कि ख़ास जो मेरी आदत है कि यहाँ मैं बाफ्तिन का नाम ज़रूर लेता हूँ, जो कि रूस के बहुत ही बड़े नक्काद थे जिन्होंने बिल्कुल नए तरह की फिक्शन के बारे में नई तरह की उन्होंने शरियात लिखी। उन्होंने उसमें एक बात ये भी लिखी है कि नावल नगार दुनिया में सबसे ज़्यादा तनहा आदमी होता है, उसे मालूम नहीं कि मेरा नावल कौन पढ़ेगा, कब पढ़ा जाएगा, कहाँ पढ़ा जाएगा। लिखा मैंने रूसी में, मुमकिन है जर्मन में लोग उसको पढ़ें, मुमकिन है उसको जापानी में जाकर लोग पढ़ें, मुमकिन है मेरे मरने के 200 बरस बाद पढ़ें, मुमकिन है कोई ना पढ़े। तो नावल नगार सबसे ज़्यादा अकेला आदमी होता है, और मेरा कहना है कि उसका उल्टा ये है कि दास्तान को सबसे ज़्यादा दोस्त आदमी होता है, हर तरफ लोग उसके होते हैं, वो सुनाता है लोगों को, जो लोग होते हैं वो उसके साथ सुन रहे होते हैं, उस दास्तान का हिस्सा बन जाते हैं। तो दास्तान को दास्तान सुनाने के मानी ये हुए कि जो दास्तान सुना जो सुनने वाले लोग हैं वो उसका हिस्सा हैं और वो उनका हिस्सा है। ये तो यहाँ अकेलापन नहीं है, ठीक है नावल नगार अकेला होता है, मैंने भी नावल लिखे हैं तो आप लोग कुछ जानते हैं, लेकिन ये रहमान अखबार बैठे हैं बहुत से नावल नगार हमारे ज़माने के नौजवान हैं, उनको मालूम है नावल लिखने वाला जाहिर है कि उसको कोशिश करता है कि तफक्कुर करे कि भाई कोई हमारा इसको बाद में अमरीकनों ने कहा साहब कि वो इम्प्लाइड रीडर कोई चीज़ होती है, उससे मरा ये होती है कि जो अगर उर्दू लिख रहा हूँ तो रीडर मेरा जापान का या जर्मनी का नहीं बल्कि उर्दू वाला बेचारा होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी उसमें आप पसंद कर सकते हैं कि, तो आप बिल्कुल तनाव होते हैं। दास्तान को के सामने उसको सुनने वाले होते हैं, वो उसके अच्छे बुरे को खूब जानते हैं, उसके गंदे साफ को जानते हैं, उसके मजहब को जानते हैं, उसके रीति रिवाज को जानते हैं, वो उनका हिस्सा है वो उसका हिस्सा है, ये सबसे बहुत ही बड़ी बात दास्तान की होती है। फिर ये कि एक साहब थे खलील अली अश नाम थे, जिन्होंने कि दास्तान में हमजा का एक वर्षन, क्योंकि बहुत सारे इसके वर्षन हैं, इसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे रवायतें हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी, जो हमारे पास जैसे मैंने कहा तुमसे अभी उसमें से 2.5 करोड़ लफ्ज़ हैं, तो वो बहुत ही लंबी रवायत है, लेकिन है दास्तान ही वो भी अभी आप बताता हूँ कि कैसे बनती। तो उन्होंने 1802 में दिल्ली में रहने वाले थे, लेकिन ये कि वो कलकत्ते पहुँचे तो उन्होंने वहाँ एक कोई फारसी कवाली उनको मिला दास्तान का, उसका उन्होंने तर्जमा किया, उसको उन्होंने एक बड़े मजे की बात लिखी। उन्होंने ये लिखा कि दास्तान के चार बड़े बड़े एलिमेंट हैं, चार अनासर होते हैं, और वो हैं रज्म और बज्म और प्रिज्म और अय्यारी। इसलिए मैंने इस दास्तान का तर्जमा चार जिल्दों में किया। ये नहीं कि मुझे प्रेस वाले ने कहा था कि भाई तुमको कागज बहुत सस्ता मिल रहा है, ये नहीं कि था वो किसी ने कहा यार चलो भेज देते हैं बिक जाएगा चार वाली जल्दी बिक जाएगा, बदले वाली में, लेकिन हैं चार वाली। तो उनका इस वजह से चार वाली में कि साहब चार बड़े बड़े अनासर होते हैं, रज्म और बज्म और तिलिस्म और याद। अभी इस बारे एक मिनट में अर्ज करता हूँ। फिर ये हुआ कि गालिब लखनवी साहब एक साहब थे बेचारे, वो भी कलकत्ते में थे, उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, शायर थे इतना मालूम है,
कुछ लोग ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान के पोते के दामाद तो होंगे भाई, बेटों को अंग्रेजों ने वहाँ भेज दिया था बेचारों को रहने के लिए फोर्ट विलियम में जगह और जगह दे दी थी, तो वहाँ बस वो लोग गए, लेकिन उनमें पुराने ज़माने की चीज़ें बहुत सारी बाकी थी। तो खैर वो कहते हैं कि आलिम लखनवी उनमें से उनके पोते के दामाद थे, कोई कहता है साहब वो डिप्टी कलेक्टर थे, और भी अच्छी बात है। जो उन्होंने लिखा वो ये लिखा है कि हमारे दोस्त हैं फलादा, वो हकीम हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी, लायक आदमी है, लेकिन उनका प्रेस भी है। उन्होंने हमसे कहा कि साहब हम हमारे प्रेस के लिए एक दास्तान बना दो, मैं हमजा की तर्जमा कर दो, तो मैं तर्जमा ये कर रहा हूँ, मुझे तो हम लोग इतना ही मालूम उनके बारे में। और यहाँ तक ये दास्तान गुम हो गई कि लिखने वाले ने लिखा कि ये कोई आदमी इस नाम का नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि हालांकि है जाहिर है बेचारा है वो, और उसके खिलाफ मौजूद है बहुत इत्तेफाक से, उसने एक कॉपी मेरे पास दी है। तो उन्होंने ये बात कही कि साहब ठीक है, दास्तान के चार बड़े बड़े अनासर होते हैं, रस्म और बज़्म और तिलिस्म और अय्याशी, लेकिन इसमें जो तिलिस्म का हिस्सा है वो ज़्यादातर हिंदुस्तान ने बनाया है, जादू का जो हिस्सा है। नहीं रस्म तो अभी बताऊँगा रस्म क्या होती है, लेकिन उन्होंने ये लिखा कि जब हमारे पास दास्तान आई है हिंदुस्तान में तो उसमें तिलिस्म का हिस्सा बहुत कम था, और हम लोगों ने हिंदुस्तानियों ने उसमें पिछले 400-500 बरस में उसमें तिलिस्म हिस्सा बनाया। तो अब इसको एक मिनट बता दूंगा ये चार चीज़ें हैं क्या। रस्म के माने हैं लड़ाई, लेकिन इसके माने लड़ाई को और फैला रही है आपकी लड़ाई जैसे भी की जाए, और लड़ाई के बुनियादी मानी ये हुए कि मुल्कों को अपने कब्जे में लिया, मुल्कगीरी, उस मुल्कगीरी के लिए झगड़े करें आप, लड़ाई करें या कुछ और तरकीब इस्तेमाल करें, कुछ जासूसी करवाएं, तैयारी कराएं, जैसा मर्जी आपकी। लेकिन रस्म से मुराद ये कि रस्म वो चीज़ है दास्तान का वो हिस्सा है जिसमें कि मुहिम का मुहिम जूही का, एडवेंचर का, जंग का, खुद लड़ाई का, ये लड़ाई के पीछे और आगे की बातें वो बयान की जाती हैं, तो इसको तो रस्म कहेंगे। बज़्म उसका उल्टा हो गया कि रस्म तो फैला हुआ है तमाम, दिल्ली से लेकर के पालन तक, पालन से लेकर के पानीपत तक, पानीपत से लेकर जयपुर तक फैला हुआ है। बज़्म जो यहाँ तुम बैठे हो ये बज़्म है। अच्छा बज़्म की खासियत ये होती है कि बज़्म में लड़की ज़रूर होती है, इस बात को लोग बहुत कम जानते हैं, बज़्म महफिल में बज़्म ही फ़र्क होता है। महफिल में कोई बैठ जाए शमसुर रहमान साहब आ जाए, ये इतना बड़ा हमारा दो आदमी बैठे हैं सामने, उर्दू के बड़े 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 लोग हैं सैम हंसी और मोहम्मद अशरफ बैठे हुए, कोई भी आ जाए तो उसमें कोई अंजुमन है, मजलिस है, महफिल है, इसमें कोई आ सकता है। बज़्म में भी मुमकिन है कोई आ जाए, या कोई दूसरा आदमी आ भी जाए बुलाने पर, लड़की ज़रूर उसमें होगी, लड़की का रोल होता है भी होगा ही, गाना नाचना इस तरह का काम, यानी जिस महफिल में के कोई ना कोई तरीके से म्यूज़िक का या शायरी का या उससे जो मिली जुली चीज़ें और म्यूज़िक शराब वराब का जिक्र होता है वो जब हो रहा हो तो उसे बज़्म कहा, यानी बिल्कुल ये लड़ाई का उल्टा हो गया। लड़ाई में दौड़ भाग है, मारपीट है, दुब तक जाना है, पहाड़ उतरना है, समुंदर पार करना है, बहुत कुछ करना है इस तरह की चीज़ें, जादू भी उसमें है, उसमें कोई लोगों को गला भी काटना है, लोगों के साथ 400 बीसी भी करनी है, सब करनी है। यहाँ पर ये कोई खुला मामला है कि दोस्त बैठे हुए हैं, शायरी हो रही है, नाच गाना हो रहा है, शराब हो रही है, उसको ये बज़्म कह रहा है। तो उसमें जाहिर है कि फिर बज़्म का दूसरा बड़ा हिस्सा इश्क हुआ जी, उसमें हमारा आपसे इश्क हो गया, आपका किसी और से इश्क हो गया, आपने कोई बज़्म बनाई कि भाई उनको बुला लेते हैं किसी बहाने से वो आ जाएं, कि हम गुजर रहे थे वो बज़्म में थी, हमने देखा उनको मुंह मर मिटे, जो जितने उसके बज़्म के जो हिस्से हो सकते सोचो, तो ये तो बज़्म हो गया। अच्छा अब अय्यारी की बात बताऊँ, तिलिस्म बात बताऊँ, अय्यारी से मुराद ये है कि ऐसे लोग होते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, बहुत ही ज़हीन होते हैं, और जिस्मानी एतबार से जुमले पतले होते हैं, लेकिन वो बहुत बहादुर और मजबूत भी होते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, अय्यारी का जिस जो बुनियादी मानी है तो तेज़ दौड़ने वाले हैं। तो ये कहा जाता है कि जो मुसाफत की कोई हमारे आपके ऐसे लोग 10 दिन में तय करते हैं, वो अगर चाहें और उनका मौका हो तो 1 दिन में उनको तय कर लें। फिर ये कि चढ़ने का सड़क दरख्तों पर चढ़ने का, इमारतों पर चढ़ने का, अब आज के ज़माने में तो बड़ा भारी स्पोर्ट हो गया ये है, जो आप स्काई राइडिंग कहते हैं, ये लोग सब जानते थे पहले ज़माने से, वो 12 मंजिल का घर हो, 15 मंजिल का घर हो, पहाड़ी को हो, चढ़ जाया करते थे। तो तेज़ दौड़ना
और तरह तरह की जितनी भी इस तरह की जिस्मानी चीज़ें होती हैं उसकी भी शामिल है। उसमें दीवार पर चढ़ना, कमन लगाना, फांद जाना, गहरी चीज़ में कूद जाना, उतर जाना, सब चीज़ें शामिल। फिर ये कि वो बहुत बड़ा ज़हीन आदमी जो होता है, चालाक होता है, और वो जो आपका जो उस खास दास्तान का जो उनकी बुनियादी आदमी जो भी है वो, जो चाहे वो शहजादा हो, चाहे वो खुद हीरो क्यों ना हो या कोई भी हो, उसका खास आदमी एक होता है, उसका याद हो, उसको सब हाल जानता है, उसको किससे इश्क है, कल किससे इश्क था, अब किससे हुआ, अब किससे होने वाला है, उसके लिए क्या किया जाए, या दुश्मन के उसका पता लगाना है तो कैसे पता लगाया जाए, तो वहाँ किसी को भेजे तो वो जाके पता लगाता है। यानी वो सीक्रेट एजेंट भी है, वो उनका कॉन्फिडेंट भी जैसे कहते हैं आज के ज़माने में है, और उनका छिपा हुआ सिपाही भी है, और उनका अकल बताने वाला भी है, सारा काम वो करता है। तो आज एक गुस्से में आकर के हमारे यार कहते हैं तुम हो क्या, हमने तुमको बनाया, अमीर हमजा तुम हो क्या, कुछ भी नहीं हो अगर हम ना होते तो। ये भी अगर अलग बात है कि झगड़े भी होते हैं लोगों में हमारे यार में उनके अमीर हमजा मतलब। अब तिलसम से मुराद ये है जादू, उसके माने होते हैं जादू के माने, उसमें जो बुनियादी बात जादू की है जो हम लोगों ने पूरी तरह से फहराई है, ये जो है ये भी तिलसम है कि हमने कहा उड़ जा, ये यहाँ से ये उड़ गई बोतल, मैंने कहा जा अशोक के पास, अशोक के पास पहुँच गई, ये तो जादू तो हो ही गया। लेकिन अगर इसको मैं बहुत बड़ी दुनिया बना दूँ, इसमें सब काम मेरी मर्जी से होता हो और हर चीज़ मेरे कहने में हो, जिस पेड़ से कहूँ वो मैं आगे आ जाए, जिस पेड़ से कहूँ खींच चला जाए, जिस जमीन पर मैं फूक मारूँ वहाँ पर महल खड़ा हो जाए। तो बुनियादी बात यह है कि आम तौर पर हम लोगों का, इंसानों का, खासकर जो लोग खुदा में यकीन रखते हैं, उनका कहना ये है कि अल्लाह या परमेश्वर जो भी कहिए आप उसको, वो चीज़ों को बनाता है, उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उसके पास कोई साधन भी हो, कोई ज़रिया भी हो, सबब भी हो, नहीं वो बेसबब बना सकता है। हमारे यहाँ जो आप क्या भी तमाम ये ऋषि मुनियों के बड़े बड़े जो मौजदे आपने सुने होंगे, बुज़ुर्गों के हमें हमारे मौजदे नबियों के मौजदे होते हैं और बुज़ुर्गों की करामतें होती हैं, उनमें बड़ी बात यह कि बगैर कुछ हुए नहीं होता है। जब ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ जब वो पी फीस्ट और खाना में जब शराब कम पड़ी तो उन्होंने कहा लो ये पानी मिला देते हैं, अब पिलाओ सबको, तो पूरा शराब बन गई। लेकिन पहले पानी होना चाहिए था तब जाके शराब बनती का नाम। ये हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मामला था कि साहब वो एक 100 आदमी है काफिले में, लेकिन पानी एक लोटा रह गया, उन्होंने बिस्मिल्लाह करके उसमें फूंक दिया और घर लो बचना शुरू करो। अब 100 आदमी उस पानी को पानी पिए, लेकिन ये पानी होना चाहिए पहले। पानी अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अल्लाह नहीं हैं, आप परमेश्वर नहीं हैं। अल्लाह जो है बेसबब चीज़ें बना देता है। आपने सुना ही है कुरान शरीफ में लिखा हुआ कुछ भाई खून भाई कुछ जगह हो जाता न, कुछ थोड़ी पूछता है इसका मटेरियल कहाँ से आया है, इसमें कॉपर कितना है, इसमें लोहा कितना है, इसका इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से लगा होगा, पूरे कौन भैया कौन हो गया। जादूगर भी यही दावा करता है कि मैं बिला असबाब चीज़ें बना लेता हूँ। एक तो यह ना कि जो चीज़ की ऐसी तब्दीलियाँ लाना जो बज़ाहिर फितरत के कवानीन के खिलाफ हो, मतलब ये खिलाफ है भाई भरी बोतल है और मेरी सुन ले वो अलग बोतल है, बेवकूफ़ है बिल्कुल, वो उठ जाए भारी भी है लेकिन फिर भी उठ जाए, मेरे कहने में फिर वो अशोक के यहाँ पहुँच जाए, सयम के यहाँ पहुँच जाए, अशोक के यहाँ पहुँच जाए, और जब उसको बताए तो पानी जो पिए मालूम होता शरबत निकला तो बेल का, या इनको जो भी उन्होंने चाहा वो मिल गया। तो मगर ये कि कुछ यानी ये हो सकता है कि कुदरत के कवानीन के खिलाफ मैं काम करूँ, जादूगर कहलाता हूँ। बताइए जो तमाम बड़े बड़े जादूगर नज़र आते हैं आपके यहाँ, सब में कोई ना कोई ट्रिक होता है, अंदर से कुछ निकलता है जो हम जानते नहीं है, मालूम होता था देखिए उन्होंने प्रारंभ कर दी, लेकिन कोई जरिया ज़रूर होता है, सबब ज़रूर होता है। खुदा का काम यह है कि वो बेअसबाब की चीज़ें बनाता है, और जादूगर भी यही करता है। जो हमारे यहाँ जादूगर दास्तान है तो वो तिलिस्म जब बनाता है तो वो दुनिया पूरी बनाएगा, कि पूरा मुल्क बना देगा, और उसमें कई तरह के मेरे तिलिस्म उसके अंदर भी होंगे। जिस तिलिस्म का जिक्र बहुत लोग करते हैं तिलिस्म हो शरबा, उसमें यह है कि मसलन आप यहाँ से बाहर निकलिए तिलिस्म पहुँच गए, आपको मालूम भी नहीं हुआ लेकिन आप पहुँच गए, तो वहाँ के तरीके और हैं, वहाँ का ज़माना और है, वहाँ की दुनिया और है, बहुत बड़ा मुल्क है वो, उसमें 60,000 मुल्क हैं, उनके बादशाह अलग अलग होते हैं, उन सब के ऊपर एक बादशाह है जो अपने खुदा भी कहता है, फिर उसके नीचे भी एक तिलिस्म जो बातिन में छिपा हुआ है जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, मतलब कि वो सारी चीज़ें वो कर लेता है जो अल्लाह मियाँ करते हैं और अपने को अल्लाह मियाँ कहता भी है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है तिलिस्म में और मामूली जादूगरों में।
और दास्तान में ये जो हिस्सा है पुरानी दास्तान में था लेकिन बहुत कम था, जो दास्तान शुरू में जिसको हम लोग जानते थे हमजा के नाम से, उसमें दास्तान उसमें तिलस्म का जिक्र बहुत कम है लेकिन है, मगर उसको इतना फैला करके बनाना, उसमें इतनी तफसील पैदा करना, जादू के पूरे मुल्क खड़े कर देना, फिर उन मुल्कों के अंदर मुल्क खड़े कर देना, उनके अंदर भी दरिया, अब जैसे वो तिलस्म मशरबा में जो एक जगह है जो तिलस्म जाहिर को तिलस्म बातिन से अलग करती है, वो नदी है, उसका नाम है दरियाए खून रवां, उसमें यह है कि साहब उसमें धुएँ का एक पुल है, उस धुएँ के पुल के सात दर्जे हैं, उन सात दर्जों में अलग अलग तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक एक दर्जे में वो भविष्य लोग हैं जो जंग लड़ रहे हैं हर वक्त तलवार से, उनका खून खतरा खतरा गिरता है, जब वो नीचे गिरता है तो मोतियाँ उसको उछक लेती हैं, वो मोती बन जाता है, मछलियाँ वहाँ सोने की घूम रही हैं, तो अब ये सब उसने बना दिया, अब एक न तो वो नदी है वहाँ कहीं, न वहाँ कहीं कोई पुल है, न कोई धुआं है, लेकिन है सब कुछ, उसको पार किए बगैर तुम तिलस्म जाहिर से तिलस्म बातिन में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने बताई, किसी को नहीं मालूम थी ये चीज़, ये दुनिया के किसी अदब में तुमको ये बात नहीं मिलेगी कि मैजिशन का ये रोल, मैजिशन एज गॉड तुम सब जानते हैं, हर हर तहजीब में मौजूद है, पुरानी तहजीब सब जगह मौजूद है, लेकिन मैजिशन एज गॉड वो एक दुनिया को एक दुनिया से अलग कर दे बिल्कुल, जिसमें तुम रहते हो वो अलग हो जाए और जिसमें हम बना रहे हो वो उससे अलग हो जाए, ये हम लोग सिर्फ कर सकते हैं, हमारे हिंदुस्तानी लोगों के दिमाग का काम है और कोई नहीं कर सकता। फारूकी साहब, दास्तान जो है वो हमारी तहजीब की नुमाइंदगी करती है या हमारे तखय्युल की? अलग छोटी दोनों चीजें हैं भाई, तखय्युल के तहजीब से बाहर कुछ चीज होती है, तखय्युल तो तहजीब का हिस्सा होता है ना, जो अब तुम जब जाहिर बात है जब तुम्हारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान बताइए, अब हमारे हिंदुस्तान में एक तसव्वुर है दुनिया का कि वो माया है, अगर माया है तो फिर उससे फिर और चीज़ें निकालो, हम तुम बैठे हुए हैं हम भी फिर भी माया है, लेकिन तो क्या मतलब है कि ये मुमकिन नहीं कोई और कोई माया बना दे, तो तहजीब और तखय्युल एक ही चीज़ है, जब तक तहजीब में नहीं होता तखय्युल नहीं पैदा हो सकता है, तखय्युल के बारे में जो कहा जो बुनियादी बात की जाती है तो अपने आप से नहीं होता, तखय्युल हमेशा आप अपनी तहजीब से हासिल करते हैं, अगर आप जैसे मिसाल बहुत ही मोटी सी बात ले लीजिए, आपकी बहुत सी ज़बानें ऐसी हैं अफ्रीका हैं क्योंकि वो ठंडा नहीं पड़ता बर्फ़ नहीं गिरती है तो उनके यहाँ बर्फ़ करीब लगती नहीं, अब उन्हें बताना हो कि बर्फ़ क्या होता तो समझाइए पूरा आप तो समझेंगे, फिर भी जो कहानी जो है ना जब टेढ़ी खीर है तो इसीलिए वो कही गई थी वो कहानी कि उन्होंने कहा साहब खीर क्या होती है साहब उनका मालूम नहीं कैसी होती है, उन्होंने कहा अरे भाई वो सफ़ेद सफ़ेद होती है, अच्छा अच्छा और फिर वो कैसी होता वो तो हंस की तरह की बिल्कुल सफ़ेद होती है, हंस कैसा होता उसकी गर्दन लंबी होती है, तो उनका अरे बड़ी टेढ़ी मालूम होती है, तो अब भाई किसने देखा नहीं उसके लिए जाहिर क्या करें बेचारा, तो टेढ़ी खीर तो हो ही जाएगी उसके वास्ते, तो उसमें नुकता यही ज़बान का कि ज़बान तब मुतहरक होती है जब सामने कुछ हो, अगर तहजीब में नहीं है तो फिर नहीं है, तो तहजीब अलग थोड़ी होता है, क्योंकि तखय्युल का कमाल है कि चूँकि तखय्युल हमारा इस तरह से तहजीब हमारी इस तरह से तमाम पहलुओं में फैली हुई है कि हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में खुदा के नाम पर सब चीज़ें हैं, अल्लाह में खेल भी करते हैं, अल्लाह में मार भी डालते हैं, पैदा भी कर देते हैं, बना भी देते हैं, तो भगवान की लीला का एक पूरा अलग तसव्वुर है, कृष्ण जी की लीला का एक अलग तसव्वुर है, वो भी हमारे यहाँ वो भी हमारे भगवान में शामिल हैं, हमारे दास्तान में वो मिलते हैं, मतलब कहने की ये कि ये सब चीज़ें जब आपको कहानी सुनाता हूँ दास्तान नहीं है कहानी एक साल से लिखा है कि जो हमारे देवा जानते हो तुम लोग यूपी में 12 मंजिल में गाँव एक गाँव है वहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग रहते थे वारिस अली शाह साहब उनके मजार वहाँ वारिस अली शाह साहब की ये बात थी कि वो हर एक को मुरीद कर लेते हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो अंग्रेज हो सबको मुरीद कर लेते हर आदमी उनको मानने वाला तो एक साहब उनसे मिलने के लिए निकले आप जाएंगे बाबा के पास जाएंगे रास्ते में कृष्ण जी की लीला हो रही थी वही रुके अब अपने देख रहे थे वो तमाम गोपियाँ हो रही हैं और राजा हैं वो गाना बजाना हो रहा है कृष्ण जी अपनी छप दिखा रहे हैं और रास्ते से मुँह लगी अरे बाप रे बाप जो सवेरा होने वाला मैं तो शाम को वहाँ पहुँचने वाला था घबरा के भागे वहाँ भागे जब वो गाँव के बाहर निकले तो एक बहुत ही खूबसूरत सौंधे रंग का नौजवान सिल्क की धोती पहने हुए और शाल एक गले पर कंधे पर डाले हुए और गले में कंठा मोतियों का
कहीं मौलवी जी कहाँ जावा तो? अरे हम ही जा रहे हैं अपने बाबा जवाहरी साहब से, तो हमारा सलाम कह देना। कह देंगे भाई। उन्होंने कहा और जब वहाँ गए, अब ये कैसे बताएंगे रात भर तो कृष्ण जी के साथ गुजारी हमने, राधा और तो और क्या गोपियों से बात करते रहे हैं। तो जब वो उठने लगे तो कहने लगे, सुनो तुम एक बात भूल गए, तुम्हें किसी ने सलाम कहा था ना? कृष्ण जी महाराज थे। उन्होंने कहा कृष्ण जी महाराज थे, उनका सलाम था। तो हमारी, हम मुसलमान हैं, उनको कलमा पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद का नाम लेते हैं, हमारी तहजीब में लिखा हुआ ही है। तो जिस तहजीब में यह ना होगा वो तहजीब तुम कहाँ से लाओगे? कि उस तहजीब का कारनामा है ये, जहाँ बैठे हुए ऐसे पूछे इनका तो पूरा खानवादा ही इस तरह के लोगों का है। ये तहजीब ऐसी है कि वो सबको एक कर देती है और उसमें इतने फैलाव हैं, इतने इतनी पेचीदगियाँ हैं, कुछ भी निकाल लो। अच्छा, अब रह गई साहब बात ये कि जो खैर भारत फिर भी सवाल पूछने का काबिल है, इस तरह पूछने का काबिल है कि दास्तान में क्या है, तो हम जवाब देंगे क्या नहीं है। कुछ भी तुम ढूंढ लो, कोई चीज़ भी तुम ढूंढ सकते हो। ये तो छोटी छोटी बात, बदनाम हम इसलिए किए गए कि साहब हम लोग तो बड़े अश्लील हैं, साहब बड़े फोकस हैं हम लोग, हमारे यहाँ तो साहब हर वक्त इस अशी होती रहती है। हाँ होती रहती है, और भी होता है। एक दो बातें में अगर नहीं होती तो सुन लो, रेप नहीं होता। 46,000 पेजेस के सवा दो करोड़ में लफ्जों में सिर्फ दो जगह मिलता है, एक बिल्कुल शुरू में मिलता है, वो एक वो भी रेप क्या हुआ, मैरिटल रेप असल में, वो मैरिटल रेप है। और चूँकि पुरानी कहानी का हिस्सा है, वो हम लोगों ने छुड़ा नहीं है, उसको रख दिया। और एक ये है कि अमीर फरासियाब का जो बहुत बहुत बड़ी जो अयारा है, सरसर बड़ी खूबसूरत भी है, तो वो कहीं जा रही होती है उसको कोई लौंडे घेर लेते हैं उसको, है तो वो पूरा मंजर है। ये बयान करने क्या, मैं समझता हूँ कि खैर वो जो ढाई सफ़े तक है, कुछ चार पाँच सात 800 वर्ड तक वो लड़के को घेर रहे हैं और छेड़ रहे हैं। वो अयारा भी है, उछल की निकलती है, फिर वापस आ जाता है, उसको आना पड़ता है, फिर लाते हैं कपड़े उसके छीन रहे हैं, मार रहे हैं। तो मतलब एक गैंग रेप होने वाली होती है, लेकिन अगर बच जाती कोई ना कोई मेरे हमजा का आदमी आ जाता बचा लेता हूँ। पूरे 46,000 सफ़े में ये दो जगह से मिलेगा, एक तो अटेम्प्टेड गैंग रेप, एक मिनटल रेप। हम कहते हैं यहाँ होता ही है, हम आशिक हुआ किसी लड़की के ऊपर, हम जादूगर हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम उसको ले आए, लेकिन रेप नहीं करते, बंद करके रखते हैं उसको, हम पीने पड़ी हुई है, दाल पानी बचा देंगे, रोटी रहेगी। वो कहेगा अबे जिस दिन मोहनी पढ़ दूंगा तो मेरे हाथ पकड़ लेगी आकर के, क्योंकि पढ़ता नहीं मोहनी। ये तो बहुत बड़ी बात है, उसको नंगा करके क्या जा बिस्तर पर लेट जा मेरे, वो तो बहुत बड़ी बात है। कहता धमकी देता है, मैं मोहनी पढ़ दूंगा तो देखना कहाँ जाएगी तू। कितनी दफा ये, इतनी दफा ये वाक्य हो चुका है दास्तान में, किसी न किसी मौके पर, किसी न किसी बहाने से किसी लड़की को पकड़ लाता है, किसी माशूक मेरी माशूक है मुझे मालूम नहीं, पकड़ गई, अब मैं दौड़ूंगा भागूंगा जो कुछ करूंगा अलग बात, लेकिन कभी वो उसके साथ रेप नहीं करता। इसके अलावा वहाँ सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, जो चाहो तुम देख लो उनका मिल जाता है। दुनिया इतनी बड़ी है वो, कि वहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो तुम तलाश करोगे तो ना मिलेगी। और ये उन लोगों का कमा, यहाँ तक कि जबान का मामला जैसे मान लो है कि फारसी जबान सुनना हो जो बहुत अच्छी जबान फारसी की है, जो बड़ी उर्दू की जिसे कहते हैं शाइस्ता जबान बड़ी, तो वो भी तुम सुन लो। पूरबी जबान सुनना हो तो तुम वो भी सुन लो, उसमें पूर्वी मौजूद है, हदी मौजूद है उसके अंदर, रोज़मर्रा की जो बोल चाल है वो भी तुम उसमें मौजूद है। शायरी देखना हो तो उसमें अरबी के गीत भी इसको लोग कवित कहते हैं और फारसी गज़ल भी है, जो तुम्हें जो जिस तरह के चाहो शक्ल बयान। देखिए लड़की तो एक ही तरह की हो सकती है भाई, कितनी तरह की होगी, सरापा में क्या बता देंगे आप, वो माफ़ कीजिएगा लोग बैठे हैं, लड़कियाँ लोग बैठे हैं, माफ़ी चाहता हूँ। जो स्टाइलर ने लिखा है कि ये जो पोर्नोग्राफी इस पर धमी कितना है, कितनी बार काम करो वो कई तरह से करो, तो उसमें मगर नुकता ये ना कि सरापा क्या लिखोगे तुम भाई, एक ही तरह से भाई, रंग गोरा है, रंग सांवला है, नाक सीधी है, आँखें बड़ी बड़ी हैं, छोटी लंबी चौड़ी है, छाती वैसी है, कमर वैसी ही तो कहोगे। अजी उस दास्तान में कम से कम 1,000 जगह तो जरूर सरापा लिखा गया होगा, जगह अलग है, जगह अलग है, कुछ नज़्म में भी है, कुछ नज़्म में भी है, दोनों मगर बिल्कुल अलग अलग है। तो ये है, इसको कहते हैं कि ईजाद का कमाल, ये तखय्युल का कमाल है। साहिब बात है, आप ये तो नहीं कहेंगे कि लड़की को हम ये कहते हैं कि उसके सही तो सीख निकले हुए हैं या उसके दो मई, तो हम नहीं कह सकते हैं, हम तो यही कहेंगे जैसे हमारी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन उनकी हर दफ़ा हम शक्ल नहीं बना देते, हर बार को नई चीज़ में डाल देते हैं, चाहे वो
इश्तारे की हो, चाहे तस्वीर की हो, चाहे किसी पैकर की हो, चाहे किसी तरह से भी, लेकिन हम एक नया काम कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं जो वहाँ ना हो, सब कुछ वहाँ मिल सकता है। और ये भी दास्तान का बहुत बड़ा फन है कि एक ही बात को बार बार कहना, तरह तरह से कहना। और इसी वजह से दास्तान एक ऐसी अजीब चीज़ है कि जिसमें सुनने वाले को हम बता देते हैं कि इसमें ये होने वाला है, जो आप कहते हैं ना कि वो तजस्सुस होना चाहिए था, वो सस्पेंस होना चाहिए कहाँ नावल में और नैरेटिव में, खास करके आप पूछते रहे कि अब क्या होगा, चाहे वो जासूसी नावल हो, चाहे वो हसर साहब का नावल हो, लेकिन हमको ख्याल रहता है अच्छा अब क्या होने वाला, अगर अगला मंजर क्या आएगा, अगला मोड़ क्या होगा। यहाँ भैया हम पहले कह देते हैं जिसमें ये होने वाला है, हम बता देते हैं देखो जब जाओगे वहाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये तुमको तख्ती देने को देख लेना, तख्ती मगर देखता नहीं कम। ये भी एक बात हमने कह दिया कि भाई तू जाएगा वहाँ, तुझे एक सांप मिलेगा बड़ा भारी अजदा मुँह खोले हुए, उसमें कुछ जाना, भागना मत, और अगर डर लगे देख लेना। तो डर भी लग रहा है लेकिन देखते नहीं, उसमें बोलते भी नहीं, हमको हड़प कर लेता हूँ, लेकिन ये हम पूरा बता चुके होते हैं। तो ये भी इस वजह ये है कि हम इसकी उसूल को नहीं मानते, ये कोई उसूल है या छिपा के रखी जाए। उसूल तो ये कि आपको मालूम हो, मुझे अब लोग मुझसे कहें तो फारूकी साहब आज वो दास्तान हो जाए जिसमें कि हमारे यार ने अपनी माशूका से क्या क्या बातें कही थी बड़ा मौके पर जब वो जंगल में मिला होगी, वो सुना दूंगा आपको। तो आपको मालूम ही है कि मुझे क्या सुनाना है, लेकिन ये फिर भी मुझसे आप कह रहे हैं सुनाओ, क्योंकि मेरे कहने का तरीका है, मैं उसमें इतना घेर दूंगा बात को, इतना घुमा दूंगा, इतनी रंगीन बना दूंगा कि पुरानी बात खत्म हो जाएगी। और फिर ये भी है कि वो बयानिया का जो जोर होता है, ये जो अभी तुमने कहा वो सही कहा, जब महमूद ने जब पहला जो शुरू किया था दास्तान का, ये इसी जगह किया था, उस बड़े बड़े देशमुख हॉल में, तो मैंने बहुत लोग थे, हम भी थे, कई लोग थे। तो अच्छा उसमें ज़्यादातर लोग वही थे जैसे कि उर्दू नहीं जानते, ये बहुत सुना है उर्दू कुछ होती है, पढ़ नहीं सकते हैं या सुन लेते हैं, लेकिन इतनी वो इतना दबाव था बयानिया का कि सब लोग वाह वाह कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं जो वाह वाह ना कर रहा हो, मेरे तमाम लोग पहले जब जानता हूँ मैं इनको उर्दू नहीं आती है, लेकिन वाह वाह कर रहे, जो तुमने कहा ना कि जबान नहीं जानते लेकिन वाह वाह कर रहे हैं, क्योंकि बयान करने वाले का कमाल ही होता है कि बयानिया के दबाव को इस्तेमाल करे तुम्हारे ऊपर, फिर तुम उसी होकर रह जाते हो। और इसी बात को बहुत ही पहले अरिस्टॉटल और उसके पहले प्लेटो ने कहा था कि जब भी कोई किसी नज्म को या किसी ड्रामे को तुम देखते हो या सुनते हो तो तुम उसका हिस्सा बन जाते, वो फिर तुम्हारी शख्सियत में चली जाती, फिर उसके बाद तुम उसका हिस्सा बन जाते हो। वही यहाँ भी होता है कि उस वक्त जब तक तुम सुन रहे हो वाकई एक मैं अमीर हमजा हूँ, वाकई तुम हमारा यार हो, वाकई अफरासिया बादशाह इस तरह से कह रहा है और मैं इस तरह जवाब दे रहा हूँ, सब वहाँ होता रहता है। बहुत ही नीचे के लेवल पर साइंस फिक्शन ले लीजिए, साइंस फिक्शन के कौन चीज़ें जो वहाँ नहीं है, वहाँ सबमरीन भी है वहाँ पर है, वहाँ रॉकेट भी है, वहाँ पर टेलीविज़न भी है, ये तो आम बात है। साहब अफरासिया साहब जो हैं बैठे रहते हैं किसी मुल्क में, लेकिन हर जगह नजर आते हैं, वो बताते रहते हैं ये करो वो करो, वहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो कोई भी साइंस तो ये कि जाइगेंटिज्म और जेनेटिक चेंज इतने बड़े बड़े हाथी हैं कि पूरी IIC के बराबर है, इतने बड़े बड़े घोड़े जिस कमरे के बराबर है और आदमी को खाते हैं, सब उसमें मौजूद है। कि कुछ ऐसा नहीं जो उनको ना मालूम था हो, तखयल कैसी कमाल करते हैं, चूँकि हमारे यहाँ है, हमारे दास्तानों में संस्कृत में और घर की तमाम दास्तानों से ऐसे मौजूद हैं, पर उनको बनाना मेरा काम है, बढ़ाना मेरा काम है। और ये आखिरी बात है कि दास्तान यानी जबानी बयानिया का सबसे बड़ा जो पावरफुल जो उसका हड़बा होता है वो होता है एनलार्जमेंट, हर चीज़ को बड़ा करके दिखा देगा। यहाँ तक इसी प्रिंसिपल को लेते हुए वो दिखा रहे हैं कि एक हाथी जो है वो पूरे एक बिल्डिंग के बराबर हो गया है, घोड़ा, इस तरह की तमाम चीज़ें, मच्छर ये बड़े बड़े हो गए जैसे कि आदमी होता है। तो ये सब उसी वजह से हो रहा है कि हमको एक तो मालूम एक उसूल क्या हमारा है, दूसरा ये कि हमारी तहजीब में ये चीज़ें शामिल हैं कि लोग ऐसे होते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं, तो ना होगी माया है जो भी हो जाए थोड़ा। दोस्तों दास्तान पर फारूकी साहब से कई घंटों बातें सुनी जा सकती हैं। अभी हम लोग, मुझे याद है अभी इलाहाबाद फारूकी साहब के घर पे हम लोगों ने कुछ फारूकी साहब की किताबें स्कैन करनी थी। दास्तान से फारूकी साहब की मोहब्बत का मैं आपको एक मिसाल दूं कि फर्स्ट फ्लोर पे फारूकी साहब की एक लाइब्रेरी है जहाँ पे दास्तानें रखी हुई हैं। दास्तान अमीर हमजा की 46 वॉल्यूम,
जो फारूकी साहब के पास मौजूद है, तो हमें वो स्कैन करनी थी। तो फारूकी साहब की उन दिनों तबीयत भी कुछ नासाज थी, गर्मी बहुत हो रही थी और ऊपर सिर्फ एक पंखा लगा हुआ था, तो फारूकी साहब खुद आते थे ऊपर और फिर वो झुक झुक के अलमीरा में नीचे दास्तानें रखी हुई हैं, भाई तुम्हें नहीं मिलेगी, ये उधर उधर रखी है। तो फारूकी साहब को ये भी अंदाज़ा था कि दास्तान कहाँ है और फिर वो किस तरह उस गर्मी के आलम में दास्तान वहाँ से निकाल निकाल के हमें देते थे स्कैन करने के लिए। तो ये दास्तान से फारूकी साहब की मोहब्बत और इश्क का जो मैंने खुद देखा वहाँ पे, दास्तान अब हमारे तखय्युल की दुनिया और हमारी तहजीबी असल दुनिया में कितना फ़र्क है और दास्तानें जो जो हमें बताती हैं पता नहीं वो असल दुनिया में कितना है। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कि वो दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया है, जैसे आपने फरमाया भी कि वो दास्तान का एक कमाल ये भी है दास्तान को का कि वो एक नई दुनिया भी क्रिएट करता है, एक नई दुनिया बनाता है। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि सिर्फ हमारे पास 5 मिनट हैं, आप में से अगर कुछ फारूकी साहब से कुछ पूछना चाहे तो वो जरा माइक ऑडियंस सर। मेरा नाम नूरुल इस्लाम है, मैं डेयरी यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि इस दौर में दास्तान की रिलेवेंसी क्या है? एक साहब थे वो उनका नाम जर्मी बेंटम था, वो उन्होंने बड़े भाई फिलासफर थे, उन्होंने एक जगह लिखा आवाज उन्होंने एक जगह लिखा है कि ये बुलबुल पर जो पोएम लिखी इससे क्या फ़ायदा है, घूम के खा जाओ। उन्होंने लिखा है कि बुलबुल पर पोएम से क्या फ़ायदा जो किसने लिखी है, घूम के खा जाओ। तो एक बात ये उनका पोएट्री के प्रोज में बड़ा फर्क है, फर्क ये कि पोएट्री जो है लाइन पर पूरी नहीं करती है, पेश खराब हो जाता है, वेस्टफुल होती है, प्रोज में पाने पूरी लिखी जाती है, पेज की पोइट्री आधी थी लिखी जाती है, सब देखिए पास आया कर रहे हैं ये लोग, कौमी इंटरनेशनल हो गए ये लोग, बड़ा इंटरनेशनल लोग बात नहीं, तुम कागज आया करता ये तुम जो पूछ रहे हो वो वही पूछ रहे बेटा, तुम अभी तुम लोगों के उस्ताद उनके उस्ताद और उनके उस्ताद सब वही बैठे हुए हैं जर्नी मेन्यू के पास, वहाँ सब पूछ रहे हैं भाई इसका रेलिवेंस किस बारे में होती है, मेरी क्या रेलिवेंस है, मैं मर जाऊँ तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा क्या, भाई पंडित नेहरू मर गए, महात्मा गांधी मर गए, क्या हुआ, दुनिया चलती रहती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब एमएलए मुरसंग न रहे कौन रहेगा, जब पैगम्बर ससुरा दुबुनबू न रहा तो हम लोग क्या रहे, किसी रेलिवेंस ये होती है कि मैं हूँ, मेरा होना मेरी रेलिवेंस है, मैं दास्तान मौजूद है, दास्तान साहब। एक छोटा सा सवाल है कि आज उर्दू माशरे में दास्तानों को पढ़ने के आपकी नज़र से कैसे इम्कानात हैं और हम उर्दू माशरे में दास्तानों के पढ़ने को अगर राइज करना चाहते हैं या उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स पॉसिबल हैं आपके? देखो दास्तानों की बुनियाद पर या इस मुशरबा की बुनियाद पर इब्ने सफी के ज़माने में छाप थे, वो अभी तक हैं पर बूढ़े हो गए बहुत, इन सही नाम थे उन्होंने, ये नाम रखा अपना, उन्होंने बहुत पूरी सीरीज लिखी इस तरह की, क्योंकि इसमें उशरवा की दास्तानों पर छोटी छोटी किताबें जिसमें दुनिया के नाम, लाहौर में और कराची में भी इस तरह के दो एडिशन अलग अलग निकले हैं इन दास्तानों को, छोटी छोटी किताब बना करके मैंने बहुत सी मंगाई दी थी बच्चों को पढ़वाई थी मैंने एक ज़माने में, तो वो मौजूद हैं। अच्छा फिर ये कि अगर अब नहीं मिलता लेकिन उसका खुलासा बड़ा अच्छा किया था रही समय जाफरी ने शर्मा का, वो भी मिल जाएगा अगर ढूंढोगे तो, अस्करी साहब ने छोटा सा खुलासा किया था वो तो यहाँ भी छपा था वो शायद मिल जाए, वो तुम्हारे सामने है। तो अच्छा अंग्रेज़ी में बहुत कुछ मौजूद आ गया है मौजूद है, तो मैं ये कहता हूँ कि दास्तान ठीक बात है दास्तान पढ़ें, अच्छा दास्तान की जो एक जिल्द वाले वर्षन बहुत सारे मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं अंग्रेज़ी में भी उर्दू में मिलते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, तो अगर जाइए ढूंढ लें तो मिल जाए किताब आपको, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये कि दास्तान सुने आप, क्योंकि बहरहाल ये दास्तान सुनने की चीज़ है पढ़ने की चीज़ नहीं है, और जब तक उसको सुनेंगे नहीं तब तक उसका जादू आपको पूरा खुलेगा नहीं। तो जो लोग दास्तान सुनाते हैं इस मुल्क में थोड़े बहुत लोग हैं यहाँ, और कुछ लोग पाकिस्तान में भी हो गए हैं, और वो उस तरह के लोगों को आप उनको तरक्की दीजिए, उनको किताब दीजिए भाई पढ़ो तुम इसे और पढ़ के सुनाओ, जो गलतियाँ होंगी मैं ठीक करूँगा, अब खुद ही आप गलती करेंगे तो ठीक कहाँ से करेंगे, लेकिन मतलब ये कि उनको सिखाओ कैसे बोलते हैं कैसे पढ़ते हैं कैसे करते हैं, तो फिर
दास्तान बहुत दूर नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ज़रूर है कि दास्तान तो भाई जब कोई चीज़ अब जैसे जब मैंने शुरू किया जमा करना तो 50 रुपये का एक वॉल मिलता था, अब 1000 रुपये में नहीं मिलता है क्योंकि फारूक साहब लोग जमा कर रहे हैं, फारूक साहब जमा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जमा कर रही, मेरी देखा देखे शिकागो यूनिवर्सिटी भी पूरी उसकी माइक्रोफिल्म बनवा ली, बोलिए यूनिवर्सिटी भी पूरी किताबें जमा कर ली पूरी की पूरी। तो जब डिमांड बढ़ती है तो जाहिर बात है दाम बढ़ते हैं, लेकिन मिल जाती है, फिर भी चीज़ें मिल जाती हैं, पढ़ना मुश्किल नहीं हुए। मशहूर कर दिया कि बड़ा मुश्किल है, बड़ी फारसी है, बड़ी अरबी है, भाई है तो जहाँ है वो भी है, जहाँ नहीं वो भी नहीं, ऐसी चीज़ें भी हैं। सर सर, आज की डेट में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट और साइंटिफिक नॉलेज जो आया है सोसाइटी में, उस कंटेक्स्ट में आज दास्तान को आप किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरह उसको हम आज की डेट में बयां कर सकते हैं? हम कहाँ मॉडिफाई करें भाई, अभी करेंटली हम जिस दुनिया में रह रहे हैं एवरीथिंग शुड बी अपग्रेडेड एंड शुड बी डेवलप फर्दर। भाई हम जहाँ आए वही ठीक है, हम कह रही शकुंतला को तुम डेवलप करोगे नहीं, मेहदू तुम डेवलप करोगे नहीं, तो इसको क्या डेवलप करता है? इसमें कुछ बदलाव हो गया सब, फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ चाहिए ना। जो जिस जगह हो गया उसकी अपनी मानवीयत है, उसकी अपनी सार्थकता है, उसकी अपनी खूबसूरती मीनिंगफुलनेस है, वो उसी में है कि जहाँ थी उस तरह की उसी तरह उसको देखें हम, ये नहीं कि हम उसको किसी और ऐनक लगा के देखें तो क्या देखेंगे फिर। अब शेक्सपियर को अगर देखोगे तो मान लो कि आज के ज़माने के बच्चों के हैं तो कहेंगे क्या बकवास कर रहा है ये बुड्ढा, एक आदमी है जो अपनी हुकूमत को 300 बांट रहा है, लड़कियों को दे रहा है, पागल लोग रहा है, क्या लोग को बांट रहा है, छोड़ो हम राज करेंगे, हम गाएंगे पिएंगे, तुमसे क्या मतलब है। और कहते साहब बदमाश लड़कियाँ भी हैं, देखिए लेकर फिर गई उसके पीछे पड़ गई तो अच्छे से जाओ उसने मार दिया, तो कहीं ये क्या बकवास हो रही है। अब हम उसी में ये भी आता है मैन मस्ट इन योर They are going hence as coming hither. Ripeness is all. इसमें यह भी आता है कि जब ओडिलियर को मरा हुआ देखता है वो, और इंग्लियर जो उसका बाप जिसकी वजह से मरी है वो, Now what a soul in bliss, but I am bound upon a wheel of fire that my own tears will scald like molten lead. इसको तो क्या मॉडिफाई करेगा? क्या? एक आखिरी सवाल। ऐसा जमा मैं फारूकी साहब से अदब पढ़ना सीखा ही है, एहतराम के साथ एक सवाल मेरे जहन में था फारूकी साहब से, हम उसकी तफसील चाहते हैं। आया तो आलमी कन्फ्रेंस में था लेकिन जमूरत का हुक्म था कि बहाना हो रहे आप सुने फारूकी साहब को। लफ्ज़ व माना से लेकर के दास्तान तक का सफ़र फारूकी साहब का बड़ा लंबा सफ़र है। और मानी जदीदियत से दास्तान तक में मुराजत में आखिर क्या वजह हुई कि दास्तान को इतना बताइए कसम तुम लोग ऐसा मेरे पीछे पड़ो मेरा मतलब एक साहब ने कहा कि फारूकी साहब ने माजी के खंडर में पनाह ले ली है। हमने कहा भैया जो तहजीब की अपने माजी के अनमोल जवाहरातों को और महलों और उनको खंडर कहता है वो तहजीब मर जाने के काबिल है। खंडर कौन सा है, पनाह कौन सी है, कोई फर्क ही नहीं। मैं तो शुरू से चिल्ला रहा हूँ भाई पुरानी शायरी और नई शायरी में कोई फर्क नहीं है, मेरा बहुत ही पुराना मजमून है, बहुत ही गड़बड़ के ज़माने का मेरे, मैं कहा दोनों शायरी हैं, फ़र्क कुछ नहीं है, देखने की बात होना चाहिए दास्तान हो या वापस मुझे कहाँ जा रहा हूँ। हम खुद बता रहे हैं कि जो कि तुम लोगों ने जिस बात को बिल्कुल भुला दिया, मैं तुमको याद दिला रहा हूँ, देखो तुम्हें ये है, तुम्हें ये है, तुम्हें ये है, तो उसको देखो इसमें कौन सी मराजियत हो रही है। मराजियत तो तब होती जब मैं ये कहता कि साहब आज जो हो रहा है गलत हो रहा है, फारूकी साहब जो लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, जो कुछ वहाँ था वो सब सही था। ये तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अशोक को मानता हूँ, शमीम को मानता हूँ, अशरफ को मानता हूँ, मैं हैदराबाद